हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। सामने नतीजे आ रहे हैं HDFC AMC के। मुनाफा घटा है लेकिन मामूली सा, 10 करोड़ रुपए, आप समझिए 360 करोड़ पर आप इस तीसरी तिमाही के आंकड़े को आते हुए देख रहे हैं। और टॉप लाइन यानी कि आय तीसरी तिमाही में आपको बढ़कर 550 करोड़ रुपए होती हुई दिखी है, मुकाबले 480 करोड़ रुपए के। फिलहाल ये आंकड़े आपके सामने HDFC AMC में आते हुए, और यहाँ पर भी जो ज़बरदस्त ओवर वैल्यूएशन था इस काउंटर में, धीरे धीरे आपको वो भी अब नॉर्मल जोन में आता हुआ दिखेगा। आपके सामने जो 2252 का प्राइस है, उच्चतम लेवल हम लोगों ने देखा है लगभग 3400 का, जो आपने सितंबर 9 तारीख को देखा था, और अब 2255, 5% नीचे आपके सामने ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर जब आप रिकॉर्ड SIPs आते हुए देख रहे हैं बाजार में, मुनाफा आपको 10 करोड़ रुपए कम होता हुआ दिखा है, ये चिंता का विषय है। और आप समझिए कि इसीलिए 5% का पहला कट आपके सामने काउंटर पर आता हुआ। ये प्राइस 2252 रुपए जो आप देख रहे हैं, ये न्यूनतम लेवल है वीरेन जी, 10 अक्टूबर सन 2020 का। तो आप समझिए कि लगभग आपको 15 महीने का न्यूनतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे काउंटर्स जो आपको HDFC स्टेबल से दिखते हैं, जहां पर लोग लंबी अवधि के लिए ये निवेश करते हैं ये सोच के कि यहाँ पर कभी भी गिरावट नहीं आती, वो आपको मायूसी में चलते हुए दिखेंगे। और निराशा जो HDFC लाइफ के शेयर होल्डर्स को लगी है पिछले 1-2 साल में, वही हाल आपके सामने HDFC AMC में भी होता हुआ। चलिए,